हमारे साथ में 146 रैंक यानी गौरव जी हैं, तो हम हैं करोल बाग के जो वीआईपी स्टडी ग्रुप है उसमें। तो उन्होंने मतलब जो यहाँ से स्टडी की, यहाँ के एक्सपीरियंस क्या रहे वो बताएंगे अभी आप थोड़ा सा भैया। मैंने रिसेंटली वीआईपी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया था। सो कंपैरेटिवली लास्ट 3 मंथ से मैं यहीं पे स्टडी कर रहा हूँ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्रेंडली है। सो फ्रेंड्स भी होते थे तो ओवरऑल डिस्कशन भी अच्छा होता था। सो कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बेटर एक्सेसरीज है। सो यस, थैंक आई वुड लाइक टू थैंक वीआईपी स्टडी ग्रुप फॉर दैट। ओके सर। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयूसी लाइव 23 गाइस। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में द वीआईपी स्टडी ग्रुप। तो यहाँ पे काफ़ी जो पिछले साल सिलेक्शन भी हुआ था यहाँ की लाइब्रेरी से, ऑल इंडिया रैंकिंग 46 गौरव सर का। और यहाँ पे बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं, क्या है और किस तरीके से लाइब्रेरी है और कितनी हेल्प करती है, और राजेंद्र नगर जैसे एरिया में इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। आज बच्चों को हम दिखाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। आइए सर। तो देखिए जिस तरीके से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आज इनसे हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे माहौल कैसा है और क्या। तो सर सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से आप आते हैं? सर, मेरा नाम गौतम है जी और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जी सर, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो आप ये पढ़ रहे हैं, मतलब आप मेंस की प्रीवियस एग्जाम इन द स्टेटस फॉरेस्ट, दिखाइए आप इनको कि ये जो पढ़ाई होती है राजेंद्र नगर में मतलब किस तरीके से बिल्कुल अलग होती है, कि टाइप से पढ़ना, किस तरीके से अप्रोच करना। और फिर तो सर आप जो इस लाइब्रेरी में हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी लाइब्रेरी हेल्प करती है? तो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि पहली चीज़ कि एक माहौल मिलता है। यहाँ पर राजेंद्र नगर में फ्लैट्स जो है उतने ज़्यादा अच्छे मिलते नहीं हैं, तो लाइब्रेरी में आपको पहली चीज़ तो हर बच्चा आपको पढ़ते हुए मिलता है और एक कम्पटिशन का माहौल मिलता है। तो जो आपके साथी और यहाँ पे हैं, तो वो कहीं मतलब उत्तर प्रदेश से हैं कि डिफरेंट नहीं प्लेसेस से, जो नहीं आपको एक्सपोजर कैसे मिलता है? डिफरेंट प्लेसेस हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरे जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया, हर तरह हर जगह के बच्चे यानी हैं, हिंदुस्तान के सारे हर कोने 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 से। के कोने से हैं। बिल्कुल, ओके। तो अभी आप मतलब क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आप बताइए ये इसके बारे में। प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं GS1 जी पेपर के। तो ये मॉडल आंसर है, तो मॉडल मॉडल आंसर देख करके वेरियस कोचिंग के उनसे अपना मॉडल आंसर तैयार करना। अच्छा। तो हाँ, तो ये मेंस के प्रिपरेशन के लिए ये जो टाइम है। ये कैसे, जैसे मतलब यहाँ पे जो एक्सपोजर है, जो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है वो राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम की है, तो ये हिंदी मीडियम से बिल्कुल कैसे डिफरेंट है? सर, हिंदी मीडियम के लिए जैसे मुखर्जी नगर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ये तो अलग अलग हब बने हुए हैं। और राजेंद्र नगर इंग्लिश मीडियम के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो कोचिंग्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की है, तो बस ये तो डिफरेंस आपने मतलब कैसे सोचा कि मतलब मुझे UPSC करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे है। IFS बनना है, मुझे IPS बनना है? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से था और मेरे कॉलेज के भी कुछ सीनियर्स थे जो सिविल सर्विसेज में हैं, और तो वहाँ से ही एक मोटिवेशन मिली, जानने का मौका मिला, क्योंकि DU से बहुत सारे बच्चे इस बार की ऑल इंडिया रैंक 1 भी DU से हैं, सेकंड भी DU से जी, हैं, सो एक मोटिवेशन थर्ड भी मिलती दी है, नहीं थर्ड, फोर्थ हाँ स्मृति फोर्थ है, मिश्रा। हाँ, तो इस तरह से एक मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं सिविल सर्विसेज में आकर, तो यहाँ DU में आने के बाद ही ये मोटिवेशन तो जो मिला। आप स्टडी करते हैं, ये टैबलेट आपके लिए कितना हेल्प करता है? जैसे मैंने और उसका देखा था बहुत ये ज़्यादा, गरिमा लोहिया का, और सब उन्होंने बताया कि मतलब मैं नोट डाउन कर लेते हैं ज़्यादातर आसना चौधरी का। हाँ, ये देखिए ये आदत की बात है। इनफैक्ट मैं जो अपने 1-2 साल पहले तक मैं फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ता था, अब देखिए मैंने इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, कौन सा? द हिंदू है अच्छा, मतलब न्यूज़पेपर इसी में है, मतलब इसी में पूरे पढ़े तरीके हैं। से। हाँ, तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ये आदत की बात है। मैं फिजिकल से भी मैंने पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, ये क्या है, थोड़ा सा हैंडी है, तो जैसे आप आपको देख के खुद लग पहले रहा है। बता रहे थे कि आप लास्ट इंटरव्यू दिए थे, तो किस तरीके से हाँ, क्या ट्वेंटी रहा ट्वेंटी था? ट्वेंटी टू का इंटरव्यू था, हाँ अच्छा तो एक्सपीरियंस था, पर वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, इनफैक्ट इंटरव्यू में ही मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे नहीं है। गाइस भाई के साथ जल्दी एक मतलब पूरा स्टेटजी वीडियो आएगी इनके रूम पे, क्योंकि लाइब्रेरी में सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, तो बहुत हाँ, जल्द आएगी। मतलब जब जब इनको टाइम मिलेगा तो बिल्कुल अब देंगे। देखिए जैसे आपने पूछा लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा होता है, लास्ट ईयर जब मैं इसी लाइब्रेरी में था तो मेरे साथ के ही हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप था जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे, और उसमें से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार। जी, हाँ, एक IPS है, एक लड़की थी वो IAS 31 रैंक है उसके, तो एक एक मोटिवेशन। अब आप एक आइसोलेशन में प्रिपरेशन करेंगे
तो आपको पता नहीं चलता कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, तो पता चलता कि मैं कहाँ, मतलब मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब आप ऐसे बच्चों के साथ में करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, तो अपने आप पता चलता है कि वो आपसे कहाँ बेहतर कर रहा है। जी तो लाइब्रेरीज का एक कम्युनिटी का ये फ़ायदा होता है, ओके, मुझे थैंक यू सर, लगता थैंक यू सर अपना वाइट देने के लिए और क्रूशियल टाइम में स्टडी करिए। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ दिखाइए भाई साहब, इनसे भी बात करेंगे, अभी जानेंगे किस तरीके से। सर सबसे पहले अपना नाम और आप कहाँ से आते हैं और यहाँ पे वारंट कैसे आना हुआ? मेरा नाम कौस्तुभ है और मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट। और मैं चूँकि ग्रेजुएशन मेरी यहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी, तो वहाँ पे यूपीएससी के प्रिपरेशन का पूरा एटमॉस्फियर रहता था, साथ के सारे फ्रेंड्स वगैरह भी कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ एक वो बन गया। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग फिर प्रिपरेशन के लिए आ गए यहाँ पे, तब से ये जर्नी चल रही है। तो ये सर अभी अभी आप क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आप मैं दिखा पाऊँ तो ये ये सर ऑप्शनल बताएंगे। है, जैसे मेरा ऑप्शनल है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने शुभ्रा मैम से वो किया है, तो मैं उन्हीं के भी नोट्स पढ़ रहा था। और अभी चूंकि ये जो टाइम होता है हम लोग का दिसंबर तक का, ये मेनली मेंस की प्रिपरेशन GS और ऑप्शनल का होता है, तो अभी भी तो आप तैयारी यानी चल रही पूरे थी। तरीके से 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? या ओके ओके सर। किस तरीके से आपको लाइब्रेरी हेल्प करती है और यहाँ की लाइब्रेरी और लोग और की जगह की जैसे अलग कैसे है? इस लाइब्रेरी में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। फर्स्ट है यहाँ की सिटिंग, यहाँ की चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल है और वेल मेंटेन्ड, वेल क्लीन लाइब्रेरी है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्टिव है। आप कोई भी अपने इश्यू अपनी रेस करते हैं, वो तुरंत उसको उस सॉल्व किया जाता है, उस पर वो तुरंत वो करते हैं। तो ओवरऑल एटमॉस्फियर बहुत अच्छा है, जो साथ के तैयारी करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हेल्पिंग है, सपोर्टिव है। दैट्स लाइब्रेरी ज़्यादा ओके अच्छी है। तो सर ये इंग्लिश मीडियम मतलब एक कहते हैं कि हिंदी मीडियम से अलग क्यों है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समानताएं या फिर डिफरेंसेस हैं? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेक्शन हिंदी मीडियम से भी हो रहा है, इंग्लिश मीडियम से होते हैं। आप पे आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? हाँ, अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन पिछले 10-15 ईयर्स में ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, सबका अपना जो जिसमें कंफर्टेबल है। तो आप उत्तर प्रदेश से यहाँ दिल्ली आके और राजेंद्र नगर ही क्यों चुना? क्योंकि और जगह हो सकती थी यहाँ पे आना, और इतने महंगे रूम भी हैं, सब कुछ है, तो किस तरीके से आपने मतलब क्यों आपने चुना ये? यहाँ पे एक आप जिस प्रिपरेशन के लिए आते हो, आपके साथ के जितने लोग हैं सब वही प्रिपरेशन कर रहे हैं राजेंद्र नगर में, एक माहौल रहता है आपके साथ, और अलग अलग जगह से आए सारे स्टूडेंट सेम उस पे चल रहे हैं, तो इसी वजह से राजेंद्र नगर एक ज़्यादा अच्छा रहता है, ये जो भी हम लोग के जैसे प्रिपरेशन वाले हैं उनके लिए। ओके सर, तो ये भी ऑप्शनल। आपका टाइमिंग कैसे होता है रूटीन लाइब्रेरी में पढ़ने का, किस तरीके से? और जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी कैसे अलग है? तो जैसे हमारा ये है कि हमारी घर पे रूम पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है यूजुअली, क्योंकि थोड़ा हम लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। लाइब्रेरी आने से एक लाइफ पूरा रूटीन रहता है पूरे दिन का, जैसे मॉर्निंग आ गए 8:30, मैक्स टू मैक्स 9 AM, फिर 1:30 के अराउंड लंच के लिए निकल गए, फिर अगर थोड़ा पावर नैप लेनी है तो ले लिए, फिर आ गए, फिर अपना पढ़ रहे हैं, तो और साथ के बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, तो एक अलग एटमोसफियर रहता है। रूम पे आप अकेले पढ़ रहे हो या आपके साथ कोई आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, तो वहाँ बात होने लगती है। लाइब्रेरी में आप बात नहीं कर सकते हो, आपको मालूम जी है, जी तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे आप अपना टाइम बचाते हो और आप पढ़ लेते हो। तो भैया जैसे आप मतलब ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो GS के लिए आप कैसे क्या करते हैं? GS के लिए जैसे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सभी को मालूम होता है कि लक्ष्मीकांत और कौन कौन सी बुक्स वो है, और उसी से पढ़ते हैं। बाकी जिसको लगता है कि हाँ कोचिंग की ज़रूरत है वो कोचिंग ले लेता है, कुछ लोग टेस्ट सीरीज वैसे हो जाता है, अलग अलग और सबका जो वो अभी है। 2023 का पेपर हुआ, नो डाउट कि CSET बहुत टफ था, तो अब CSET की रणनीति कैसे होगी कि इससे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो मतलब हम हल कर सकेंगे? या नो डाउट CSET टफ था, बट अब वही है कि अब थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। जैसे पहले एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले CSET उठाते थे, अब थोड़ा और पहले से CSET प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा CSET को, एटलीस्ट 1 to 3 hours वीक में कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट CSET करने ही पड़ेंगे, और CSET का लेवल अब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ही अब आगे की स्ट्रेटेजी भी होगी।
ओके सर, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सर। तो गाइस, ये जो लाइब्रेरी है मतलब बहुत पीसफुल लाइब्रेरी है, तो इसी तरीके से और राजेंद्र नगर की लाइब्रेरी और कोचिंग वीडियोस और स्टूडेंट के क्वेरीज के जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू।